काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। खबर मध्य प्रदेश के नवगठित जिला महोगंज से है, जहां महोगंज के 40 महिला लखपति दीदी बनी है। बता दें कि आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत महोगंज जिला के महिला का लखपति दीदी बना हुआ है। महोगंज विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा निरीक्षण के इनका तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में पूछा अपना पंचायत सभाजन इनका प्रणाम करी थे। शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दें कि महोगंज जिला के 40 महिला लखपति दीदी बन के सामने आई। निरीक्षण करे पहुंचे विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा महिला के उत्साहवर्धन पर की इनका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनावे के पहल पर क्षेत्र के भाटी गांव स्थित संचालित स्व सहायता समूह के 40 महिला गणवेश के सिलाई करके लखपति दीदी बनी। ये महिलाओं का 50,000 गणवेश बनावे के काम सौंपा गया है, जे एक समूह में गणवेशन की सिलाई कर रही हैं। जबकि महोगंज विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा भाटी गांव पहुंच के सिलाई कढ़ाई करे वाली महिला के उत्साहवर्धन कीनगा। महोगंज विधायक के निर्देश पर जन अभियान परिषद के द्वारा भाटी गांव में स्व सहायता समूह संचालित करे वाली महिला का सिलाई मशीन दे के उनका आत्मनिर्भर बनावे के काम कीनगा। ये महिला सरकारी विद्यालय में छात्र का मिले वाले गणवेश की सिलाई कह रही हैं। एक छत के नीचे गांव के महिला एकत्र होती हैं और यह इनका सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण दिन जाते हैं। इसे महिलाओं का रोजगारों मिल रहा है। सिलाई कढ़ाई वाली महिला सालाना लाख रुपया तक कमाए रही हैं। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम।